तो भाई मैं अपनी डाइट बताता हूँ आपको, मॉर्निंग में उठो, फ्रेश व्रेश हो, अपने ढंग से जो काम करना करो, देन 4 केले, 4 चीकू और डायमंड दूध की थैली आती है, फुल क्रीम की दूध थैली, मिक्सी में डाल के उसको घोल के बढ़िया एक जग पियो। उससे क्या होगा, आपको पूरे दिन एनर्जी मिलेगी, पूरे दिन एनर्जी मिलेगी, और उससे ऐसा लगेगा पेट हमारा भरा हुआ है, कुछ खाने की जरूरत। जैसे कि बंदे होते हैं वो खाते मोमोज, क्योंकि वो क्यों खाते लोग, क्योंकि पेट खाली होता है इसलिए खाते हैं मोमोज, गंदी चीज़ें इसलिए खाते हैं लोग, जंक फूड इसलिए खाते हैं क्योंकि उनका पेट खाली होता है। अब हम रेगुलर ये चीज़ें खाएंगे तो हमारा पेट भरा होगा, हमारा मन भी नहीं करेगा चीज़ें खाने। तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मैं आ गया नेक्स्ट लेवल फिटनेस क्लब में मंगोलपुरी, ये हमारे चंचल भाई का जिम है और इनके एथलीट की लिस्ट बड़ी लंबी है। उनमें से एक है पवन गोली, जिनका मैं जुड़ चुका हूँ। ये मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, जानते हैं भाई कैसे तैयारी होती है, जिम का क्या रोल होता है जब आप मिलिट्री की तैयारी करते हो, और कितने टाइम मेहनत करनी पड़ती है, ये सब कुछ जानेंगे। इनकी डाइट क्या रहती है, इनकी मेहनत कितनी है, सब कुछ। तो स्वागत करिए पवन भाई का। हाय पवन भाई। हेलो भाई, कैसे हो भाई आप? भाई बहुत बढ़िया। भाई कितने टाइम हो गया आपको वर्कआउट करते हुए? भाई मेरे को 2 साल हो गए कंटिन्यू। अच्छा, तो भाई मतलब आप जिम से आने से पहले कुछ और भी करते थे? हाँ जी भाई, मैं रनिंग करता था, आर्मी की तैयारी करता था, दिल्ली डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा। मैं और सोलो रनिंग करता था। भाई रनिंग कितनी करते हो? मतलब एक होता ना कि आप बच्चे तो रनिंग वर्कआउट करने से पहले कार्डियो करने के थोड़ी रनिंग करते हैं, ये वो थोड़ी रनिंग है क्या, कितनी रनिंग है भाई? भाई 5 से 6 किलोमीटर रनिंग करता था रेगुलर, रोज डेली डेली 5 से 6 किलोमीटर आप डेली भागते भागते हो? अभी भागते भाई। भाई अभी तो मैं जिम में आ चुका हूँ, और अभी तो जब मेरी तैयारी, जब मैं कटिंग करता हूँ, जब रनिंग करता हूँ, अभी छोड़ रखी है रनिंग। भाई एक चीज़ जाननी मुझे, मतलब आप, आपने मुझे बताया था कि आप मिलिट्री की भी तैयारी कर रहे हो, भाई मिलिट्री की तैयारी में जिम का क्या रोल है भाई? भाई मिलिट्री की तैयारी में जिम का बहुत रोल है, स्टेमिना बूस्ट होता है। अच्छा। और जिम, जैसे कि मिलिट्री की तैयारी जब फॉर्म निकलते हैं, जब भी हम करते हैं और जब कंटिन्यू जिम में आते हैं, तो एक बूस्टअप होता है जिम में। अच्छा। बूस्टअप होता है जिम में, रेगुलर कंटिन्यू वर्कआउट करते तो स्टेमिना मेंटेन रहता हमारा। भाई कोच की क्या इंपॉर्टेंट होती है? आपने कहा आपके चंचल भाई कोच हैं। बिल्कुल भाई। और उन्होंने आपको कैसे गाइड करवाया इस चीज़ में? भाई एक्चुअली होता है कि हम वर्कआउट करते तो हम आलस कर जाते हैं कई बार। अच्छा। पर जब कोच पीछे खड़ा होता ना, तो हम ऐसा वर्कआउट करते हैं, मतलब कि हम ना करते हुए भी फिर करते हैं वर्कआउट। अब चंचल भाई साथ वर्कआउट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे साथ कोई खड़ा है। अच्छा, तो भाई ये जो फिजिक का राज है वही है भाई? बिल्कुल भाई, चंचल भाई। बिल्कुल भाई, कह सकता हूँ चंचल भाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। कितने टाइम में चंचल भाई ने तैयारी करवाई आपको? भाई अभी जस्ट मैं 2 महीने पहले ही आया हूँ, और 2 महीने में भाई ने वर्कआउट ऐसा खिंचवा दिया, ऐसा करवा दिया कि मैं अभी 14 फरवरी का वैलेंटाइन डे वाले दिन वर्कआउट अपना कंपटीशन भी खेल गया हूँ, सिर्फ 2 महीने। भाई वैलेंटाइन डे वाले दिन तो लोग कहीं घूम रहे होते हैं, और आपके चंचल भाई आपको कंपटीशन करवा रहे हैं, ये क्या स्टोरी थी भाई? पर भाई वही है ना, हमारे वैलेंटाइन डे में और दूसरों के वैलेंटाइन डे में फ़र्क है। अच्छा। हाँ, हम जीतते हैं और वो कहीं और चलता उनका। क्या चलता भाई उनका? हाँ भाई वो हमारे और उनमें फ़र्क है बस, हम बॉडी बिल्डर। फर्क तो समझ गया भाई, उनका कहाँ चलता भाई और आपका कहाँ चलता भाई? भाई हमारा, हम दिल जीत रहे हैं, वो किसी और को जीत रहे हैं, बस यार कह सकते हो आप। तो भाई ये भाई कह रहे हैं कि इनका फिटनेस से लगाओ भाई। बिल्कुल, जो भाई अगर देख रहे हैं ना, ये जो उधर दिल लगाने वाली बात है वो उधर लगा रहे हैं, ये मशीनों के साथ डंबल के साथ उनके दिल लगा रहे हैं। पर भाई 14 तारीख को भी आप, मतलब वैलेंटाइन डे भी आप कंपटीशन में के बना रहे भाई? बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, हम कंपटीशन में थे सारे भाई, और वहाँ पर ही हमारा कोई मतलब ही नहीं था उस दिन से, हमारा मतलब ही नहीं है, हम सिर्फ वर्कआउट, और हमें अपना प्लेस का ध्यान रहता है कि हमारी प्लेस कैसे आ सकती है। तो भाई एक चीज़ बताओ मैंने, चलो आपकी उम्र कितनी भाई, मतलब अभी 22 में आपने मिलिट्री का कैसे सोचा भाई? कि मतलब होता ना, एक बच्चे को कैसे दिमाग में आता है कि यार मुझे मिलिट्री ज्वाइन करनी है? भाई शुरू से ही मन में था कि भाई वर्दी चाहिए। अच्छा। वर्दी चाहिए और वर्दी ही लेनी है, और जब वर्दी पैर के जब बंदा स्टेज पे चढ़ता है ना, मेरे पास बहुत एग्जांपल है, नरेंद्र है, रूबल धनकर भाई है। अच्छा। वो भाई है ना, वो उनको देख के मोटिवेशन मिलता है कि भाई वर्दी पैर के कहाँ तक चले गए, ओलंपिया में, एमेच्योर में चले गए वो। अच्छा। तो मेरे को भी ऐसा मिलता है कि यार हम, अगर हम हाइट भी है और मैं यूनिफॉर्म पहन के अगर स्टेज जाऊँगा तो भाइयों का नाम होगा सारा, मेरी फैमिली का नाम होगा। तो भाई मिलिट्री की डाइट क्या रहती है? अब मैं बच्चे देखते होंगे तैयारी करते हैं भाई, रनिंग करते हैं, रनिंग कितने टाइम करते हैं भाई आप? भाई रनिंग 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा कंटिन्यू। भाई इसमें कुछ वेरिएशंस भी होते हैं, स्प्रिंट करनी है या जॉगिंग करनी है, कैसे? बिल्कुल भाई, पहले मैं लंबी रनिंग लेता हूँ, उसके बाद स्प्रिंट 100 मीटर की। अच्छा। हाँ, फुल स्पीड में। और भाई डाइट क्या रहती है, डाइट का क्या होता है भाई? डाइट, जिम की डाइट और रनिंग की डाइट
बहुत डिफरेंट है। कैसे भाई? जिम की डाइट में हम गेनिंग लेते हैं ज़्यादातर, हम सोचते हैं कि हमारा गेन हो, पर मिलिट्री की डाइट या डिफेंस या दिल्ली पुलिस की डाइट होती है उसमें हम चने लेते हैं, भिगो के लेते हैं, किशमिश लेते हैं और मूंग की दाल भिगो के, रात को भिगो के रखता हूँ मैं, सुबह कपड़े बांध के और उसको सुखा देता हूँ, और जब वो जो फूल जाते हैं ना, जब मैं उसे सुबह के खाता हूँ, वेरी बेस्ट है, इससे बढ़िया कोई डाइट हो ही नहीं सकती रनिंग के लिए, स्टेमिना बूस्ट करने के लिए। भाइयों जो अभी इनकी फ़ोटो देख रहा हो ना, ये नेचुरल एथलीट हैं, इन्होंने कुछ नहीं लिया भाई, क्योंकि क्यों एक आप समझ सकते हो, अगर मैं कोई सोच रहा ना कि इन्होंने कुछ एनहेंसर लिए होंगे, कुछ एनहेंसर नहीं लिए, क्योंकि मिलिट्री में सब कुछ टेस्ट होते हैं, तो भाई नेचुरल, आप ये सारी फिजी आपकी पूरी नेचुरल है भाई? बिल्कुल भाई नेचुरल, अभी तो कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं करा, थोड़ा बहुत प्रोटीन चल जाता है कभी कभार, जब भी बजट बन जाता है घर फैमिली से, थोड़ा बहुत चलता है 19-20, और अभी तक कुछ नहीं लिया मेहनत। जैसे आप जिम आते हो, आप देखते हो कि भाई कई लोग क्या मैं BCAA ले रहे हैं, कई लोग प्री वर्कआउट ले रहे हैं, क्या तुम आपके दिल में भी आता कि भाई मुझे भी लेनी चाहिए? भाई मेरे दिल में बिल्कुल भी नहीं आया, मेरे को बस मोटिवेशन मेरे भाई गुरुजी और मेरे दो भाई है, मेरे एल्डर ब्रदर्स है, इनसे मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि BCAA की जरूरत नहीं पड़ती, यही मेरे लिए बहुत है। भाई अपने आप क्या लेते हो फिर उसके? भाई मैं लेता हूँ वर्कआउट करने से पहले आधे घंटे पहले आलू उबालता हूँ। अच्छा। आलू उबाल के आलू को तोड़ के और उसमें दही मिला के और उसमें काला नमक डाल के उसको खा लेता हूँ आधे घंटे पहले, इससे बेस्ट BCAA हो ही नहीं सकता अभी तक। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई। प्री वर्कआउट भी कहते हैं, ये बेस्ट प्री वर्कआउट है? बिल्कुल बेस्ट प्री वर्कआउट है, बिल्कुल बेस्ट प्री वर्कआउट, मैंने खुद आजमाया अपने ऊपर ये चीज। क्या फर्क आता है? मतलब मैंने ना बहुत सुना है कि भाई दही आलू खाओ, दही आलू खाओ, पर हमारे जो विदेशी कंपनी बैठी है जो प्री वर्कआउट घोल घोल के बच्चों को पिला रही है और आप कह रहे हो दही आलू खाने के लिए, एक बार डिफरेंस समझा भाई इस चीज़ का। भाई डिफरेंस देखो, मैं किसी और को तो बोलता नहीं, पर मैंने खुद यूज़ करा है तो मैं अपने ऊपर यूज़ करके बता रहा हूँ ये चीज़ें, कि मैंने ये यूज़ करा तो मेरे को फ़र्क दिखा। अच्छा। अलग ही डिफरेंस दिखा, अलग ही पंप दिखा बॉडी के अंदर। अच्छा। तो मेरे को अलग ही दिखा। BCAA क्या करता है, वो रिकवरी ज़रूर करता है पर थोड़े टाइम बाद वो डल भी कर देता है, आई थिंक सो। पर ये जो आलू और दही है ना, ये पंप करता है प्लस वर्कआउट में भी हेल्प करता है। अच्छा जी। तो भाइयों आपको समझ आया, अगर आपको प्री वर्कआउट चाहिए तो आपको क्या लेना, दही और आलू। भाई एक दफ़ा ऑडियंस के सामने फ्लैक्स करके दिखा दो भाई, ये तो डिमांड सबकी बनती है भाई। ओ वाह भाई, मज़ा आ गया भाई देख के, हैं बिल्कुल डोला वोला सब बराबर है भाई। तो भाई ये वर्कआउट भी जैसे आपने बताया रनिंग करते हो, रनिंग से अब कई लोग कहते हैं ना कि रनिंग हम ज़्यादा रनिंग करेंगे तो हम गेन नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ स्टोरी होती है भाई? भाई बिल्कुल, रनिंग होती है कटिंग करती है। अच्छा। रनिंग होती है फैट को काट देती है, जैसे कि हम गेन करके काटते हैं, वैसे भी अभी कॉम्पिटिशन था, मैं भी 2-4 दिन पहले रनिंग ही करके आया था, बढ़िया रनिंग करी, एब्स लगाए पार्क में, तो कटिंग करती है वो। और पर रनिंग के साथ डाइट चले ना अच्छी स्टेमिना वाली तो अच्छा होता है भाई। जो बंदे देख रहे हैं और आधे से आप समझ सकते हैं भाई, कई लोग गांव से देखते हैं, कई लोग कहीं से देखते हैं, जिनका बजट नहीं होता, उनको डाइट क्या लेनी चाहिए? आप क्या कहते हो कि भाई ये डाइट लोगे तो आपको लीनिंग होगी या कटिंग होगी, उसमें आप क्या डाइट चलाते हो? भाई आई वुड लाइक टू डिस्क्लोज माई डाइट हेयर। तो भाई मैं अपनी डाइट बताता हूँ आपको। मॉर्निंग में उठो, फ्रेश व्रेश हो, अपने ढंग से जो काम करना करो, देन 4 केले 4 चीकू और डायमंड दूध की थैली आती है, फुल क्रीम की दूध थैली, मिक्सी में डाल के उसको घोल के बढ़िया एक जग पियो, उससे क्या होगा आपको पूरे दिन एनर्जी मिलेगी, पूरे दिन एनर्जी मिलेगी, और उससे ऐसा लगेगा पेट हमारा भरा हुआ है, कुछ खाने की जरूरत, जैसे कि बंदे होते हैं वो खाते मोमोज, क्योंकि वो क्यों खाते लोग, क्योंकि पेट खाली होता है इसलिए खाते मोमोज, गंदी चीज़ें इसलिए खाते लोग, जंक फूड इसलिए खाते क्योंकि उनका पेट खाली होता है। अब हम रेगुलर ये चीज़ें खाएंगे तो हमारा पेट भरा होगा, हमारा मन भी नहीं करेगा चीज़ें खाने का। भाई ऐसा तो नहीं चीकू खा के चीकू ऐसे हो जाएंगे? भाई बिल्कुल, चीकू तो बेस्ट डाइट है, मुकेश गहलोत जी भी बताते हैं कि चीकू और केले बेस्ट है। अच्छा। मॉर्निंग में भाई मोमोज भी तो बेस्ट है भाई, चटनी के साथ। भाई मोमोज एक हफ्ते में खा सकते हो आप, एक हफ्ते में एक बार खा सकते हो, क्योंकि होता कार्ब्स में भी होता है ना, थोड़ा बहुत कर ले। भाई कई लोग कहते हैं जैसे हमने गेनिंग करनी है तो डोमिनोज का पिज़्ज़ा खा लिया, भाई कार्ब्स लोड करने हैं डोमिनोज का पिज़्ज़ा खा लो, वो हेल्प करते नहीं भाई? भाई वो मंथ में 2-3 बार, पर डेली तो मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा। अच्छा बिल्कुल भाई, अपनी डाइट कम्प्लीट तो करो भाई, ये तो चीकू हो गया भाई। बिल्कुल, एक घंटे बाद भाई, आधे घंटे बाद 150 ग्राम अपना पनीर ले लो, कच्चा पनीर खाओ, कोई कोई लोगों को हजम भी नहीं होता पर खाना चाहिए थोड़ा सा, उससे भाई मैंने तो पनीर का चीज़ का
और अंडों का रिजल्ट मैंने खुद देखा नेचुरल में, कि नेचुरल में कैसे गेन होता है, रियल में गेन होता है। मेरा 5 से 6 किलोग्राम सिर्फ पनीर से और अंडों से गेन हुआ था। अच्छा, सिर्फ पनीर से, कच्चा पनीर खाता था मैं। फिर उसके बाद मैं दिन में, दिन जैसे दिन होता है ढलता है, 12 बजे के बाद नून आता है, उसके बाद हम राइस ले सकते हैं, बिरयानी ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, उबले हुए चावल ले सकते हैं। ये चीज़ हम खाएंगे ना तो इसमें हमारा एकदम ही बूस्ट मारेगा। और राइस तो हम कॉम्पिटिशन से पहले भी लेते हैं, 4 कार्ब्स अपलोड। तो राइस हो गया, उसके बाद हम जिम में आए। जिम से पहले हमने आधे घंटे पहले हमने आलू और दही खाई। अच्छा, आलू और दही से प्री वर्कआउट के लिए, देसी वर्कआउट, देसी देसी डाइट है ये जो बता रहा हूँ आपको, 9BCAA। फिर आधे घंटे पहले, फिर आधे घंटे बाद जिम में आए हम भाई, नेक्स्ट लेवल जिम में आया मैं। फिर उसके बाद वर्कआउट करा, बहुत बढ़िया वर्कआउट करने के बाद जिम से उतरते ही 6 अंडे विदाउट येलो, 6 अंडे के बाद उसके बाद हम लेते हैं अपना प्रोटीन शेक, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और उसके 1 घंटे बाद जब घूमने फिरने चले गए तो हमारे एरिया में तो शकरकंदी वाले घूमते रहते हैं, पर दूसरे बंदे अफोर्ड नहीं कर पाते। हमारे एरिया में रेड़ी वाले, शकरकंदी वाले घूमते रहते हैं, वो कॉर्न्स भी होते हैं, कॉर्न्स भी होते हैं उनके पास। तो आप 10-20 रुपये का, 20 रुपये का शकरकंदी खाता हूँ उसके बाद, ताकि मेरा गेन हो जाए, लीन गेन होता है इन चीज़ों से, लीन गेन होता है, जैसे कि लीन एकदम बूस्ट मारता है। भाइयों पूरी डाइट बताइए भाई ने, बिल्कुल अच्छी डाइट, क्लीन डाइट जिसे कहते हैं। और भाइयों मजाक से हटके, ये जो आजकल आप मोमोज, बर्गर, चिली, पोटैटो, पता नहीं कि लटरम पटरम, चौमिन, बर्गर सब खा रहे हो ना, ये फ़ायदा नहीं देते भाई, ये मुंह का स्वाद है। पर जो हम हमारी देसी डाइट है ना भाई, वो यही है और हमें यही खानी चाहिए ताकि हम नेचुरली बिल्ड हो सकें। और जब जिम जाते हैं ना, वो थके थके थकान में, आज नहीं मन कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, उनमें इस चीज़ का भी बहुत रोल है। और भाई ये जो दही और आलू वाली बात है, जो मेरे भाई मुझे मैसेज डालते हैं, कमेंट करते हैं, पूछते हैं डाइट में क्या लेना चाहिए, ये डाइट बिल्कुल वाकई बेस्ट डाइट है लीन गेनिंग के लिए। आप प्लीज़ इससे ट्राई करिए, हमारे भाई से जुड़िए। एक बार इनका इंस्टाग्राम हैंडल पूछता हूँ भाई, अपना इंस्टाग्राम हैंडल बताओ भाई। भाई पवन गोली 2020, पवन गोली 2020। भाई ये गोली मिलिट्री वाले करते, क्या तुम्हें लगा कि गोली जैसे जाती है, वैसे मैं मिलिट्री में जाऊँगा भाई? बिल्कुल भाई बिल्कुल, गोली मेरे गांव का नाम है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो गोली मेरे गांव का नाम है, इसलिए हम अपने नाम के पीछे भी अपना गांव का नाम लगाते हैं, ताकि हम जहाँ जाएँ हमारा गांव का नाम हमारे साथ चले। भाई जो जो गोली गाँव से देख रहा भाई को, बिल्कुल दुआ दो कि भाई वो मिलिट्री ज्वाइन करे और अपना नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे। भाई कॉम्पिटिशन का क्या विचार आने वाले टाइम में भाई? भाई कंपटीशन, अभी तक तो मैं फ़ोटो शूट के लिए कंपटीशन खेलता था। नेचुरल बॉडी में बंदा कौन सी प्लेस का ही होप रख सकता है कि हमारी फर्स्ट तो गोल्ड तो आ ही नहीं सकता। अच्छा। कि भाई नेचुरल में तो भाई आजकल एक से एक लड़का चढ़ता है, पर मैं, मेरा टारगेट सिर्फ ओलंपिया मैच्योर है। अच्छा। मेरा टारगेट जब मैं भी कुछ करूँगा तो मेरा बस यही टारगेट है, और नहीं तो नहीं चढ़ूँगा स्टेज। अब चढ़ूँगा तो कुछ अच्छा ही करके लेकर आऊँगा, नहीं तो क्लोज एकदम। भाई पहला सपना मिलिट्री, दूसरा ओलंपिया में। बिल्कुल भाई बिल्कुल, वर्दी पहन के चढ़ने का स्टेज मजा ही कुछ हो रहा है, मजा ही कुछ हो रहा है। तो भाई मजा है इनकी स्टोरी सुन के, कि भाई एक नेचुरल एथलीट जो अपने आप को दूध, दही, केले, चीकू, चीकू जैसी चीज़ों से भी भाई खा के, केले खा के अपनी बना रहा है, बॉडी बना रहा है। और कई लोग भाई, एक चीज़ मैंने जानता, जैसे आपकी फिजिक नेचुरल है भाई, कई लोग टीज भी करते होंगे यार कि ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि अगर आप फोटो देख रहे हो भाई, इतनी ज़बरदस्त ऐप्स लेके भाई क्लीन डाइट खा के, लोगों को नहीं पता चलता भाई क्या डाइट खा रहे हैं इंसान, मीठा मार के बैठा हुआ है या मोमोज बर्गर नहीं खा रहा, पर ऐसे फिजिक देखने वाले टोन तो जरूर कसते होंगे भाई कि ये नेचुरल नहीं है, कुछ ना कुछ तो लेते होगे भाई। भाई लोग पीछे से कमेंट मारते हैं, फेसबुक के कमेंट मारते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी करते हैं कि इससे क्या मिलेगा तेरे को, इससे क्या कर रहा तू, क्या करेगा, इससे कुछ भी नहीं है, और ये बस अपना पढ़ाई कर ले, कुछ नहीं है ये, बस ये 2 दिन की बॉडी है, शरीर यहीं का यहीं रह जाएगा। पर मैं उन्हें एक मैसेज देना चाहूँगा कि भाई हम पढ़ाई भी करेंगे और ये भी करेंगे, साथ साथ जिम भी करेंगे। वो है ना कि जिम जान है, जिम मेरी जान है और वर्दी दिल है भाई। जिम जान और वर्दी दिल, इन सब का कॉम्बिनेशन है हमारे पवन गोली भाई। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी ना तो उन भाई मिलिट्री भाई वालों के साथ जरूर शेयर करो कि एक आपका भाई यहाँ पे भी जो तैयारी कर रहा है और आने वाले टाइम में आपको जरूर मिलेगा वर्दी के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना पवन गोली मिलिट्री में ज्वाइन करते हैं, आपको डंडा मारेगा अंदर जाके। मिलते हैं अगली बार एक नए एथलीट का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।